हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेटसाय ओडिया। मो बसंत सर तुमको स्वागत जनाऊे आज परीक्षा दर्पण स्पेशल क्लास नंबर 27 को 27 नंबर आज परीक्षा दर्पण क्लास। आज आम जीव विज्ञान तृतीय अध्याय परिवहन और संचालन यही पाठर टोटाल एम सी क्यू गुड़ाक डिस्कसन करवा। टोटाल 30 एम सी क्यूस अच्छे सब गुड़ाक डिस्कसन करवा। केवल डिस्कसन करवानी जमी आम करे प्रिवियसली से भाया आम सब गुड़ाक आंसर को कहीं आसा डिस्कसन करवा। आउ एम सी क्यू गुड़ाक मध्यम आम पाठ को पुणि थे रिविजन करवा। तो विभिन्न डायग्राम्स मुझे सेट करें से डायग्राम गुड़िक बेस करके आम पुणि थे चैप्टर को रिविजिट करवा रिविजन करवा। आउतापुर आम ये क्वेश्चन गुड़ाक सब सार। तो बहुत इंटरेस्टिंग आउ इम्पोर्टेंट अच्छी क्लास टी तेनालीर क्लास को लास्ट जाए निश्चित भाव देख कि क्लास आगे जावा पूर्व जदि मोर ऑडियो वीडियो ठीक अच्छे तेल लाइव चैट जो मैंने भी अच्छा से येस लिखि टी जो मैंने भी लाइव चैट रे अच्छा समस्त के यस लिखि जदि मोर ऑडियो और वीडियो ठीक अच्छे। तो समस्त को गुड इवनिंग नमस्कार प्रणाम। ओके ठीक अच्छे। तो परिवहन संचालन ये पाठर टोटाल एम सी क्यू गुड़ाक आलोचना करवा डिटेल आलोचना करवा सब आंसर गुड़ाक को एनालाइज करवा एवं पाठटी को रिविजन करवा ठीक अच्छे। आरंभ करवा आम आज क्लास फास्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 1। शरीर प्रति कोष आवश्यक मुताबक खाद्य जल और अम्लजान क्यों प्रक्रिया रे पाई थांते। शरीर प्रति कोष आवश्यक मुताबक खाद्य जल और अम्लजान क्यों प्रक्रिया रे पाई थांते। पोषण परिवहन श्वसन रेचन। इजी क्वेश्चन एज वी ऑल कॉल लड्डू क्वेश्चन। ओके क्यों प्रक्रिया रे प्रत्येक कोष पाख को आवश्यक मुताबक खाद्य जल अम्लजान सब पहुँची थाए। वेरी गुड। ऑप्शन बी परिवहन। सो मनुष्य शरीर रे परिवहन मुख्यतः रक्त माध्यम रे हेथाय। रक्त मुख्यतः परिवहन करिथाय। रक्त कौन करे ना ये जो खाद्य अच्छी हजम होता खाद्य सरलीकृत खाद्य को किंवा जल हो किंवा श्वासतंत्र अम्लजान हो ये सब को लेकिन कोष निकट रे पहुँचाई था। जो परिसंस्था जो संस्था अच्छे जोटा आमर क्वेश्चन जोटा आमर रक्त रक्तटा रक्त बा हार्ट को लेकिन जो परिसंस्थाटा रही कोष निकट को सब खाद्य पदार्थ जल अम्लजान पहुँचाए ताकू आम परिवहन संस्था बोलिकी कहचे। तो ऑप्शन बी जो मैंने कही कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 2 नंबर को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 को देख। जल मूललम कोषरु केउ प्रक्रिया रे जाइलम भितर को प्रवेश करिथाय। फर्स्ट आंसर दियो तापर आमे प्रक्रिया को डिस्कशन करिबा। जल मूललम कोषरु केउ प्रक्रिया रे जाइलम भितर को प्रवेश करिथाय। सक्रिय शोषण निष्क्रिय शोषण परिश्रवण ना विसरण। केउ प्रक्रिया रे बाहरे थिबा जलटा मूललमर कोष मध्य को प्रवेश करे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया आंसर दूच। वेरी गुड। ऑप्शन डी बी विसरण प्रक्रिया। ऑप्शन डी विसरण प्रक्रिया जो मैंने भी ऑप्शन डी कहल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। विसरण प्रक्रिय जाइलम भितर को मूललम कोषर जलटा प्रवेश करें। ये जो विसरण प्रक्रिया अच्छे ताको आम बुझा केमी हो ये देख जो जल अच्छी से मट्टी सॉयल मृत्तिकारे अधिक परिमाण रे थाए। देख पार जल गुड़ाक सब जी ब्लू कलर देखा जा सब जल गुड़ाक अच्छे जेतबेले मूललमरे जेतबेले मूललमरे जलर अभाव घटे माने जल गुड़ाक सब जाइलम मध्य को प्रवेश कर दिए से मूललमरे कौन हुए ना जलर अभाव देखा जाए। तो भितरे जलर अभाव अच्छे बाहर जल अधिक अच्छे तेणु करके गोटे चाप सृष्टि हुए एवं जल गुड़ाक सब भितर को प्रवेश करे। बुझिपार पुणि थे कौच ध्यान दियो मूललम भितर जलर अभाव घटे किंतु बाहर सफिसीएंट जल थाए तेणु करके बाहर अधिक जल अच्छे भितर कम जल अच्छे तेणुक गोटे प्रेसर पड़ गोटे चाप पड़ से चाप द्वारा ही जल गुड़ाक भितर को प्रवेश करेंगे। यही जो प्रक्रिया अच्छे आपको आम विसरण प्रक्रिया बोलिकी कहचे।
ठीक से भाया मूल लोम रु पुणी जाइलेम जो कस अच्छी जाइलेम मध्य को मतलब सेम जाइलेम रु जदि ऊपर को जल पलैगला जाइलेम भितर अभाव सृष्टि हे से बड़े मूल लोम रु जो जल गुड़ाक अच्छे से जाइलेम मध्य को प्रवेश कर तो यही भाव में विसरण प्रक्रियाटा कार्यकारी करें आशा कर बुझीपार समस्ते विसरण प्रक्रिया केमी काम करे आम अलरेडी डिस्कसन करे ये केवल खाली आम रिविजन करुचे क्वेश्चन गुड़ाक आंसर कला बेलू आम टिके टिके कर पूरा पाठटा को रिविजन करुचे तो ये गला आमर सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को देखा थर्ड रे अच्छे देख जाइलेम नलीर व्यास 0.001 मिलीमीटर रु कम हेले उक्त नली रे जल केते मीटर पर्यंत उच्च को उठी पारे जाइलेम नलीर व्यास जदि 0.001 मिलीमीटर रु कम हुए ताले से नली रे केते मीटर पर्यंत जल ऊपर को उठी पारिबो यस बहुत बढ़िया प्राय प्राय ठीक उत्तर ऑप्शन सी जो मैंने कहल 10 कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑप्शन सी 10 मीटर हो करेक्ट आंसर तो ये जो जाइलेम नली भितर जल आपे आपे ऊपर को उठवा आपको कहुए कौशिक आकर्षण कौन कह जाए ना कौशिक आकर्षण ये कौशिक आकर्षण केमी काम कै कौशिक आकर्षण केमी काम कै ताकू आलोचना करवा देख सर्ट्रे रिविजन करवा पुणि थे मन पकेबा जदि गोटे जल रही गोटे लिक्विड रही तले से गोटे आमर कैपिलरी ट्यूब बा कौशिक नली रही कौशिक नली आम क्या कह कौशिक नली मान से नली गुड़ाक जोटार व्यास बहुत कम होता है बहुत कम होता है ये कम होने जोबले से जल से बुड़े से आपणा छाए ऑटोमेटिक जलटा ऊपर को उठी जाए यही जो एक्सपेरिमेंटर चित्र देखुच एथेरे तुम्हें भल भाव बुझीपार देख एथेरे कौन है ना जल गुड़ाक सब कैपिलरी ट्यूब गुड़ाक लगी जानवापी आम ब्लू कलरटा नि जखा देखा बोली है तो से देखिए जदि जिते मोटा होते व्यासटा अधिक रोचे से कम परिमाण में ऊपर को उठुचे कि धीरे धीरे जितेबाला आम लेफ्ट रू रईट को जी आमर जो नली नि से नलीर व्यासटा कमी कमी जाऊँच मान नलीटा पतला हो जाए से समय जल गुड़ाक अधिक ऊपर को उठुचे देखिपार यही नलीटा टी मोटा अच्छे तेणुक जलटा जी उठला ताठू शेष नलीटा देखिए से बहुत पतला अच्छे तेणुक अधिक परिमाण में जल ऊपर को उठी तेणुक नली जिते सूक्ष्म हम जिते पतला हम तार व्यास जिते कम हम से अधिक ऊपर को जल उठी थाए तो आम जो जाइलेम नली अच्छी उद्भिद मानी सी भी कौशिक नली भाई कम कै सी भी अति सूक्ष्म जल से 10 मीटर पर्यंत ऊपर को 3 मीटर पर्यंत ऊपर को उठी पारे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 4 नंबर उच्छेदन हार बढ़िले जल परिवहन रे की परिवर्तन हुए उच्छेदन हार बढ़िले जल परिवहन रे की परिवर्तन हुए ह्रास पाए वृद्धि पाए स्थिर रहे ना वृद्धि पाए स्थिर हुए कौन हम जिते आम उच्छेदन हार बढ़ई दबा गोटे उद्भिदर उच्छेदन हार बढ़ी बढ़ी जाऊँचे तो तार जलर पर वृद्धि हम ना ह्रास पाव ना स्थिर रहा ना प्रथम वृद्धि पाई स्थिर हम वेरी गुड प्राय प्राय ठीक आंसर ऑप्शन बी वृद्धि पाव उच्छेदन हार जिते अधिक हम पर जल पर अधिक हम या आम बुझा उच्छेदन केमी आम जल को परिवहन करिवारे साहाज्य करुचे ए डायग्राम को आम देखा ये चित्र को देखा जो थे उच्छेदन कौन आम प्रथम जानचे बहुत पढ़ी सारी अलरेडी उच्छेदन मानी हूँ जलर अत्यधिक जलर बाष्प आकार पत्र स्टोमाटा दे बाहरी जीवा प्रक्रिया ताकू आम उच्छेदन प्रक्रिया बोली कौच तो उच्छेदन में कौन हुए स्टोमाटा दे कि जल गुड़ाक बाष्प आकार बाहरी जाती जदि जल बाहरी गला ताल पत्र फलक जलर अभाव हम से कौन कर जलर जदि अभाव से कौन कर कांडर जल को टाण कांडर अभाव हेले से निश्चित भाव में तार मूल बाहर कर मूल अभाव हेले मूल लोम आसव जल आदि मूल लोम जलर अभाव है जल गुड़ाक सब जो मटी थे से मैंने विसरण प्रक्रिय मूल लोम भितर को जी तो जल कौन हो मूल मानते मटी भितर मूल भितर को जा मूल
କାଣ୍ଡକୁ କାଣ୍ଡରୁ ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଦେଇକି ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏଇଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ଧାର ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଧାରା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଉଚ୍ଛେଦନରେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଉଚ୍ଛେଦନର ଧାରା ଚାଲିଥିବ, ଜଳଟା ମାଟିରୁ ବାହାରିକି ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁକୁ ଯାଉଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ବୋଲି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ପରିବହନ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦନ ଅଧିକ ହେବ, ଯଦି ଜଳ ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହେବ, ଖରା ହେଉଛି, ଖରାଦିନ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି, ତ ଉଚ୍ଛେଦନ ଅଧିକ ହେବ। ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଶୋଭନ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ ଆକୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଜଳଟା ମାଟିଠାରୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ବାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ଆକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଖରାଦିନ ଅଛି, ଗରମ ହେଉଛି ଅଧିକ, ତ ଉଚ୍ଛେଦନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି ଅଧିକ ଉଚ୍ଛେଦନ ହୁଏ, ଅଧିକ ପାଣି କ୍ଷୟ ହେବ, ତ ଅଧିକ ପାଣି ସେ ଟାଣିବ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ପତ୍ରଟା କାଣ୍ଡରୁ ଟାଣିବ, କାଣ୍ଡ ମୂଳରୁ ଟାଣିବ, ମୂଳ ମାଟିରୁ ଟାଣିବ। ତେଣୁ କରିକି ଉଚ୍ଛେଦନ ହାର ଅଧିକ ହେଲେ ଯେଉଁ ପରିବହନ ଅଛି ଜଳର ସେଇଟା ବି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ 5 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପୋଷକ ପରିବହନର ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଡ଼ୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ହିଁ କହିଦେଇପାରିବ। କେଉଁଠି ପୋଷକ ପରିବହନର ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ? କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର, କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ, ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ୟେସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କହିଲ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ନୁହେଁ, ବାକି କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଆମେ କଥା ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ କେପିଲାରି ଟ୍ୟୁବ୍ କଥା ବା କୌଶିକ ନଳୀ କଥା କହି ପଡ଼ିଲେ, ଏବେ ହିଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରିଭିଜନ୍ କଲେ, ତାକୁ କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବା ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଜଳର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ। ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପ ଆମେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏବେ ହିଁ କରିଦେବା ଡିସ୍କସନ୍, ଦେଖ ନାଇଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଷକ ପରିବହନର ତତ୍ତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ନୁହେଁ। କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ତ ଆମର ଏଥିରେ ଯିବ, ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିରେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଲଡ଼ୁ କ'ଣ? ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ, ଲଡ଼ୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ କହିଦିଅ ଯେ ଜାଣିଛ? ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ କ'ଣ। ତ ଉଚ୍ଛେଦନ ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଯିଏ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝିଯାଇଥିବେ, ଲଡ଼ୁ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ। ହଉ, ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ କ'ଣ ହୁଏ? ପରିବହନ ସିନା ଅଧିକ ହେଲା, ମୂଳଜ ଚାପ କ'ଣ ହେବ? ୟେସ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ, ରାଇଟ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ। ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ପଡ଼େ, ମୂଳ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ଠେଲେ ସେଇଟା କମିଯାଏ। ଯେତେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଉପରୁ ଟାଣୁଥିବ, ଆଉ ମୂଳରୁ ଚାପ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ବୁଝିବା ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପ କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପର କ'ଣ କାମ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ତାର କାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା, ସାର୍ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ସେଇଟା, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଓକେ, ହଁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଦେଲି କି, ଓକେ ଓକେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଅଛି ଶ୍ୱସନର, ତାକୁ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା? କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରଟା ମୁଁ ଭୁଲରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଦେଲି, ହେଲା, ତାକୁ ହିଁ କରେକ୍ଟ କରିନେବ, ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା, ଦେଖିବା ସେଥିରେ କିଛି ଜଳ ବାହାରିବ। ସେ ଜଳଟା କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଉପରେ ତ ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦନ ହେଉନାହିଁ, ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବଳ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଟାଣୁଛି ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଏବେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତଥାପି ଜଳ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଅଛି, ସିଏ ଜଳଟାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି, ଉପରକୁ ଜଳକୁ ଠେଲୁଛି। ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଜଳ ଠେଲିଲା ସେଟା କାହିଁକି ଠେଲିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଳଟା
मूल आक्वायर कला ताको से उपरको टाणी उपरको ठेलिबा को चेष्टा करूची जा फळरे कि काटी गोटे गच्छ कटा हि जेतिबा गच्छरे मध्य से कटा अंशरो जळटा बाहरुचे आकु मापिबा पई आमे एई भळिया गोटे मानोमीटर निजे बनै परबा एटा एक्चुअल मानोमीटर नहे एटा आमे निजे प्रस्तुत करि परबा ए भळिया गोटे यू शेप्ड ट्यूब नै कि आमे चेष्टा करि परबा देखिबो एटी कोन होचे ना गोटे यू शेप जो इये रे पाइप टाको आमे एटी फिक्स कर दबा जमीक गोटे गच्छर कांड लगी ठीक से भाया ही कटा जा अंशे आम लगेदबा एथे कौन हुए ना जो जलर लेवल अच्छी देख एति पर्यंत अच्छी किसी समय आम छाड़दा कि घंटा छाड़ला देखा जलटार लेवल जो अच्छे से उपरको उठी जाइए प्रथम यही लेवल थी यही लेवल को गला तो एक जल जो एक्सट्रा आसला कौट आसला से जल से मूल जो चाप जो मूल रू गोटे चाप सृष्टि होची मूलटा गोटे जल को ठेलुची जहाँफल कि जलटा उपरक उठुचे तो ये हूँ मूल जो चाप किंतु जेतेबेले उच्छेदन चली थाए उच्छेदन समय कौन होच्छेदन जो गोटे फोर्स लगुच गोटे बल लगुच जोटा कि जल को टाणुची ऊपर आड़ को तेणु करके मूल जो चाप से कमी जाऊे बुझिपार ठेलीबार आवश्यकता कौन उपर जो गोटे जिनस टाणुची जो चापर तलर ठेला हो चापटा कमी जी कि गोटे जिनस को जदि जड़े तलरू ठेलुची जिते फोर्स लगे पड़ूला उपर जदि जड़े लोक टाणबर जन लोक टाण तलर जो लोकटा ठेलुला कम बल लगे पड़ तो सी चापर जो चाप पकाता से कम हम तेणु करके उच्छेदन जिते अधिक हम उपरू टाण बलटा जिते अधिक हम तलर ठेलवा बल मान मूल जो चापटा से कम हम से आंसर आम आसला सर्वनिम्न बुझीगल केमती हूँ जदि बुझीगल टे यस कि वाई बोले लिख दियो चार्ट्रे आगे जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को यस अंधकार प्रक्रिया रो केल्विन चक्र क्रेब्स चक्र साइट्रिक अम्ल चक्र मु बुझिली भूल रे कह देथिली मु तापर निजे करेक्ट कर देल ना ओके ठीक अच्छे आगे जावा आकु जीवा नेक्स्ट प्रश्न उद्भिदर जल परिवहन पाई निम्नलिखित केउ सब तत्व अवतारणा करा जायछि अगेन रिपीट हेछि क्वेश्चन आ पूर्वरो आमे केउटी नुहे बोल के सेति बाहर करथिले तीनटा तत्व तीनटा जक तत्व को आमे ऑलरेडी आलोचना एबे करि सारछे प्रश्न उडा करे आलोचना करि सारछे देखि के आंसर कहि दबो इजी क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी वेरी गुड कौशिक आकर्षण जोड़ा कैपिलरी एक्शन ट्यूब कैपिलरी ट्यूब बा कौशिक नली जहाँ विषय में आम रिविजन कले आज मूल जो चाप ए प्रीवियस क्वेश्चन रे डिस्कशन कले सशक्ति तत्व आज आम रिविजन कर सारे तो सशक्ति तत्व मान जो उच्छेदन जो जो चाप पड़ू उपर आड़ को सशक्ति तत्व मूल जो चाप मान जो मूल आड़ प्रेसर पड़ू मूल मूल जल को ऊपर जो टाणुचे और कौशिक आकर्षण मानने जाले मु नली गुड़ाक कौशिक नली आकार कार्य करती ऑटोमेटिक तहरे जल गुड़ाक उपरक उठी जाए ये तीन टा जाक तत्व आमर डिस्कसन आम कर सारे तो ऑप्शन बी जो मैंने कहल कंग्राचुलेसन टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट क्वेश्चन जी आठ नंबर मूल जो चाप मापापी के जंत्री व्यवहार करा जाए यहाँ भी आम आलोचना कर सारे आज ट्राई टू आंसर मूल जो चाप के जंत्र द्वारा मपा जाए यस वेरी गुड मानोमीटर मानोमीटर चाप जिते मपा जाए मानोमीटर द्वारा मपा जाए ये चित्र अच्छे देख ये हूँ गोटे मानोमीटर चित्र ए यू सेप्ड मानोमीटर यू आकार गोटे ट्यूब अच्छे एमती से आम प्रेसर मापी पारा के तो आम जो मूल जो चाप मापी से आम देखी गोटे ये देख ये भी गोटे प्रकार मानोमीटर जोटा को आम सिंपल मानोमीटर एमें निजे यहाँ यू सेप गोटे ट्यूब को लेकिन करपर तार जो मानोमीटर एक्चुअल थाए से यही प्रकार देखा मिले नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर उद्भिद मध्य को जलर शोषण मुख्यतः क्यों प्रक्रिया द्वारा संगठित हुए मुख्यतः क्यों प्रक्रिया द्वारा उद्भिदर जलर शोषण होता है उच्छेदन पोषण परिवहन शोषण यस ब्लड प्रेशर स्पिग्मो मानोमीटर वेरी गुड मानोमीटर जितेबले भी किसी चाप को आम मापुचे प्रेसर को मापुचे से मानोमीटर व्यवहार हुए रक्तचाप ब्लड प्रेसर पर स्पिग्मो मानोमीटर है आसवा आपको सही
तो उद्भिद मध्य जलर शोषण मुख्यतः क्यों प्रक्रिया द्वारा हुए राइट ऑप्शन बी ऑप्शन ए जो मैंने कहल वेरी गुड उच्छेदन द्वारा पोषण श्वसन कुआ आस पोषण मान तो खाद्य ग्रहण श्वसन मान आमर खाद्य शक्ति निर्गत परिवहन माने जो विभिन्न जिनस अच्छी जमी अम्लजान है गैस गुड़ाक अम्लजान अंगारकाम खाद्य हरमोन युड़ाक सब गोटे स्थान अन्य स्थान को नवाटा परिवहन तेल जलर शोषण कहीं किए मुख्यतः दायी उच्छेदन उच्छेदन जो जो चाप सृष्टि हुए जोटा संशक्ति तत्व बोली कहुए ता विषय आम अलरेडी उच्छेदन स्रोत विषय अलरेडी डिस्कसन आज ही कर सारी नेक्स्ट जावा क्वेश्चन नंबर 10 केउटी उद्भिदर वायव्य अंश नुहे इजी क्वेश्चन पुणी थे लड्डू क्वेश्चन लड्डू लड्डू क्वेश्चन शीघ्र खाई जाओ शीघ्र लड्डू खाओ वायव्य अंश केउटी नुहे राइट ओके किए गोटे फुल लिखले मझे ऑप्शन डी वेरी गुड ऑप्शन डी चेर वायव्य अंशर अर्थ कौन जो अंश वायु ओपेन थी जोटा मटी उपर रही थी जो अंश उद्भिदर मटी उपर रही थोड़ा आम कौचे वायव्य अंश मूलटा कौन अच्छे मूल मटीर तले अच्छी तेणु करके मूल हम ना मूल हम मूल वायव्य अंश हम ना ठीक अच्छे नेक्स्ट जावा आग को 11 नंबर रक्तवाहिनी प्रधानतः केते प्रकार अगेन इजी क्वेश्चन पुणी थे इजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन रक्तवाहिनी केते प्रकार अटे पुणी थे लड्डू क्वेश्चन अच्छे पुणी लड्डू क्वेश्चन समस्ते खाई जाओ यस ऑप्शन बी वेरी गुड ऑप्शन बी जो मैंने कहल 3 कौन कौन शिरा शिरा धमनी आउ रक्त कौशिक रक्त कौशिक अच्छा जो शिरा धमनी आसला तुमको तो मुँह गोटे क्वेश्चन दूचे कह हृत्पिंड को हृत्पिंड बा हार्ट को रक्त आसे कहा देके शिरा धमनी रक्त कौशिक रक्त कौशिक धमनी शिरा भितर के रक्तवाहिनी देकी रक्तटा हृत्पिंड को आसे वेरी गुड शिरा का मध्य दे रक्तटा हार्ट रु बाहरी जाए हृत्पिंड रु बाहरी जाए का मध्य देकी शिरा धमनी ना रक्त कौशिक धमनी वेरी गुड धमनी देकी बाहरी जाए शिरा देकी आसे ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा देकी आसे हार्ट को और धमनी देकी महाधमनी देकी चली जाए सो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 12 नंबर मनुष्य शरीर रक्त संचालन प्रक्रिया प्रथमे किए आविष्कार करते अगेन लड्डू पुणी लड्डू पुणी लड्डू मनुष्य शरीर रक्त संचालन प्रक्रिया प्रथमे किए आविष्कार करते विलियम हार्वे कार्ल लैंडस्टेनर रॉबर्ट हिल हैंड स्क्रैप्स ओके किसी जन पुणी कन्फ्यूजन है किंतु प्राय प्राय ठीक आंसर ऑप्शन ए वेरी गुड ऑप्शन ए जो मैंने कहल विलियम हार्वे मनुष्य शरीर रक्त संचालन प्रक्रिया को आविष्कार करते द्वैत रक्त संचालन बोली कह जाए मनुष्य रक्त संचालन को द्वैत रक्त संचालन कह जाए कहीं हार्ट को दुई थर जाए प्रथम पूरा शरीर रु शिरा देकी आस हृत्पिंड को सीठ पुणी थे आम लंगस फुसफुस को जीव फुसफुस पुणी थे हार्ट को आसो हार्ट को आसिक पुणी थे शरीर को धमनी दे कि चली जाए तो ये कौन हो गोटे थर हार्ट को आसिक लंगस को जाऊँगी आउ थे लंगस रु फुसफुस आसिक हार्ट को पुणी थे बैक जाऊँगी तो यह प्रकार जो संचालन अच्छे से दुई थर हृत्पिंड जाऊँगी तेणुकर द्वैत संचालन आपको कहुए नेक्स्ट जावा आपको 13 नंबर मनुष्य शरीर परिवहन उत्कृष्ट माध्यम टी कौन ये भी आज कही सारी अलरेडी आम पढ़ीचे इजी क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन समस्त देवा चेष्टा कर पोषक जल वायु रक्त मनुष्य शरीर परिवहन माध्यम कौन माध्यम देकि परिवहन हुए कार्ल लैंडस्टेनर रक्त वर्ग यस वेरी गुड सत्य कार्ल लैंडस्टेनर रक्त वर्ग आवाहर करते यस वेरी गुड ऑप्शन डी राइट लड्डू लड्डू क्वेश्चन रक्त रक्त देकी ही परिवहन होता है तुमको क्लास स्टार्टिंग रे फास्ट क्वेश्चन रे कहली जे रक्त रक्त ही होची माध्यम रक्त ही होची परिवहन रो माध्यम गोटे ट्रक भली काम करे रक्त माने आमर जो श्वासतंत्र अच्छे से
ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇକି ଯାଏ କୋଷମାନଙ୍କ ଠାରୁକୁ କୋଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇକି ଆସିକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଛାଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବା ହଜମ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କୋଷ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ଏସବୁ କାମ ରକ୍ତ କରେ, ତେଣୁକରି ରକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 14 ନମ୍ବର, ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ କେତେ? ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ କେତେ ଥାଏ? ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅପ୍ସନ୍ ସି ଯେଉଁମାନେ ବି କହିଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। 250 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଓଜନ ଥାଏ ସେଇଟା 250 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇଠି ଦେଖ, ନୀଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ କପାଟିକାର ଆକାର କିପରି ଥାଏ? ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର୍। ନୀଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ କପାଟିକାର ଆକାର କେମିତି? ଗୋଲାକୃତି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି, ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ନା ଡିମ୍ବାକୃତି? ୟେସ୍ ୟେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ କହିଲ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି, ଆକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କାହିଁକି ହେଲା? ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିତ୍ର। ଏଥିରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ନୀଳୟ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ନୀଳୟ ଆଉ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ, ନୀଳୟ ଆଉ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପାଟିକା, କେଉଁ କପାଟିକା? ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି କପାଟିକା, କିମ୍ବା ଏପଟେ ଦେଖିବ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି କପାଟିକା, ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇ ଯେଉଁ କପାଟିକା ଅଛି କେମିତି ଅଛି? ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧାଚନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଥାଉଛି କି ନା, ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧାଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କପାଟିକାର କାମ କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର, ୱାନ୍ ୱେ ଗେଟ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ଏଇ ପଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବ, ରକ୍ତଟା ନୀଳୟ ଦେଇକି, ନୀଳୟରୁ ଏଇ ପଟକୁ ଧମନୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ, ନୀଳୟରୁ ଧମନୀ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ, ଭଲ୍ଭଟା ଓପେନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟରୁ ରିଟର୍ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନୀଳୟ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ, ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନୀଳୟ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ଅଳିନ୍ଦରୁ ନୀଳୟକୁ ଆସିପାରିବ କିନ୍ତୁ ନୀଳୟରୁ ଅଳିନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କପାଟିକାର କାମ ହିଁ ସେତିକି, ୱାନ୍ ୱେ ଗେଟ୍, ରାଇଟ୍? ତ ଇଏ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ, 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଙ୍କୋଚନ ଘଟିଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ, ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସାର୍ ଶିରା ଓ ଧମନୀଟା 11 ନମ୍ବର ବୁଝିହେଲାନି, 11 ନମ୍ବର ମୁଁ ଶେଷରେ କହିଦେବି, ମନେ ପକାଇବ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଙ୍କୋଚନ ଘଟିଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ଧମନୀ, ଶିରା, ଶିରା ଓ ରକ୍ତ କୌଶିକ, ଶିରା ଓ ଧମନୀ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର୍। ୟେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ, କିଛି ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ, ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କହିଲ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ କାଟିଦେବ, ଶିରା ହିଁ, ଶିରାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ତିନିଟା ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଶିରା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ କି? ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ ତଳର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଘର ଅଛି, ତଳର ଦୁଇଟା କୋଠରୀ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ନୀଳୟ, ବାମ ନୀଳୟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ସଙ୍କୋଚିତ ହୁଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ ସଙ୍କୋଚିତ ହେଲା ବେଳକୁ ୟାର ରକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ? ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ୟାର ରକ୍ତ ଆମର ମହାଧମନୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଶିରା ଗୁଡ଼ାକରୁ ତ ରକ୍ତ ଆସିବ, ଶିରା ବାଟେ ଯିବ କି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ? କେବେ ବି ଯିବନି। ତେଣୁ କରିକି ଶିରାରେ ଆମର ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଶିରା ଏପଟେ ରହିଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରା, ଶିରାରେ କେବେ ବି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ରକ୍ତଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଆମର ଧମନୀ ମଧ୍ୟକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟକୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଇଟ୍? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ, ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିବ କି? ହଁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 3 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିବ ତୁମର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ, 17 ନମ୍ବର, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ
କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ? ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ନିଳୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୟେସ୍ ୟେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିଛି ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲେ ଓକେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି, ବାମ ନିଳୟ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବାମ ନିଳୟ। କିଛି ଜଣ ସି ମାରିଲେ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ କହିଲେ, ଅଳିନ୍ଦ କାହିଁକି ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବ? ଦେଖ ଏପଟେ, ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଥରେ ଆସ, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବ ଯଦି, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ କେଉଁଟା? ଅଳିନ୍ଦ ଉପରଟା। ବାମ ନିଳୟ କେଉଁଟା? ବାମ ନିଳୟ ତଳଟା। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ଼ଲି ଟେଢ଼ା ହେଇକି ଥାଏ, ସ୍ଲାଇଡ଼ଲି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ, ତେଣୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କୋଚିତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାମ ନିଳୟ ଅଛି, ବାମ ନିଳୟଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କୋଚିତ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଜେନେରେଟ୍ କରେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ରକ୍ତଟା ଶିରା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ରକ୍ତଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଶରୀରରେ। ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ବେଶୀ ଦକ୍ଷ, ଇଏ ବେଶୀ ଜୋରରେ ପ୍ରେସର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କରିକି ହିଁ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ, ତାର ଯେଉଁ ବାହାର ଅଂଶଟା ଅଛି ସେ ଟିକେ ମୋଟା ରହେ, ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁ ଆମର ବାମ ନିଳୟ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ, ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ କ'ଣ କଠୋରୀ। ବୁଝି ହେଉନି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ଏଥିରୁ, ଏଇଟା ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରୁନ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ, ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ପୁରା ଦେଖିଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର, ତ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲାଣି, କେଉଁଠି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ବାମ ନିଳୟ। ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା କାହା ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିପାରେ? ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା, ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା କାହା ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିପାରେ? ଅଳିନ୍ଦ, ନିଳୟ, ରକ୍ତ କୌଶିକ ନା ମହାଶିରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଇଟ୍, ଲଡ଼ୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଲଡ଼ୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ବି ଲଡ଼ୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ନିଳୟ, ରାଇଟ୍, ନିଳୟ। ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ କପାଟିକା, ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖ, ବହିରେ ଯାହା ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଳିନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଳୟ। ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କପାଟିକା ଅଛି ତାର ଓପେନିଂ କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ଏଇପଟକୁ, ମାନେ ସେ ନିଳୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଅଳିନ୍ଦରୁ ନିଳୟକୁ ରକ୍ତଟା ଆସିବ। ସେଇଭଳିଆ ବାମ ଆଡ଼େ ଯଦି ଦେଖିବ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନିଳୟ ଭିତରକୁ ରକ୍ତଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏବେ ଯଦି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଯେ ରକ୍ତଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଦେଖିବ, ରକ୍ତଟା ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇକି କେଉଁଠିକୁ ଆସେ? ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସେ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ରକ୍ତ ଜମା ହେଲା, ତାପରେ ସେ ରକ୍ତଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ରକ୍ତଟା ବାମ, ସରି, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ ଆସେ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ରକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ ଆସିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରେ ଜମା ହୁଏ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା, ସେ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ଉପରକୁ ଯିବ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀକୁ ଯିବ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀକୁ ଯାଇକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଠି ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ରକ୍ତଟା ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିକି ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କେଉଁଠିକୁ ଆସିବ ନା ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିଲା, ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ସେ ସମୟରେ ରକ୍ତଟା ବାମ ନିଳୟକୁ ଆସିବ, ଆଉ ବାମ ନିଳୟରୁ ସଙ୍କୋଚନ ବେଳେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତଟା ପଳେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ, ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ବାହାରିଯାଏ, ଏଇ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ବାହାରିଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦିଅ, ବୁଝିଯିବ ଆରାମସେ। କ'ଣ ହୁଏ ରକ୍ତ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ଏଇପଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ଏଇପଟେ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇକି ରକ୍ତଟା ଜମା ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ରକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କପାଟିକା ଦେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ ଯିବ, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ରକ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଦେଇକି ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ ଡାହାଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦୁଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯିବ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ରକ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇକି, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ଦେଇକି ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ
ବାମ ନୀଳୟକୁ ଆସିବ, ବାମ ନୀଳୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରକ୍ତ ପୁରା ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଧରିକି ଆସିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି ହେବ। ରକ୍ତଟା ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ କିପରି ଥାଏ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ କେଉଁଭଳି ଥାଏ? ମାଟିଆ ଲାଲ, ମାଟିଆ ଲାଲ, ଶାଗୁଆ ଲାଲ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥାଏ? ରାଇଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅପ୍ସନ୍ ସି, ରାଇଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ମାଟିଆ ଲାଲ। କେମିତି ଥାଏ ରଙ୍ଗ ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ, ଏଇଭଳି ଥାଏ ମାଟିଆ ଲାଲ କଲର୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର କେତେ ଥର, ମିନିଟ୍କୁ କେତେ ଥର? ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇଜି ଲଡ଼ୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର ମିନିଟ୍କୁ କେତେ ଥର? ଚିତ୍ର ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ବନେଇବ କି ସାର୍? ୟେସ୍, ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ହିଁ ବନେଇବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିବ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ବନେଇବ, ଆଉ ସବୁଯାକର ନାମାଙ୍କନ କରିବ, ମାନେ ଲେବେଲିଂ କରିବ। ସାର୍ ବାଦାମୀ ଲାଲ କହିଲେ ବି ତ ହବ, ହଁ ହବ, ମାଟିଆ ଲାଲ ବୋଲି ତ ଦେଇଛି, ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଟା ମାରିବ ଆଉ କ'ଣ। ୟେସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 72 ଯେଉଁମାନେ କହିଲ, ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର, ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ମିନିଟ୍କୁ 72 ଥର। 20 ହେଇଗଲା, ଆଉ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। 21 ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପଥର ସଠିକ୍ କ୍ରମଟି କେଉଁଟି? ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେ ଆମେ, ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆଗଟାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ରକ୍ତ କେଉଁଭଳିଆ ଆସିକି କେଉଁଭଳିଆ ଯାଉଛି, ତ ଆର ସଠିକ୍ କ୍ରମଟା କେଉଁଟା ହବ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି କହିବ। ୟେସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଅଳିନ୍ଦ, ନୀଳୟ, ଧମନୀ, ଶିରା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ନୀଳୟକୁ ଆସିବ, ହେଲା। ଏଇପଟରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଟା ଆସିଥିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଥମେ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ନୀଳୟକୁ ଆସିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଚାଲିଯାଏ, ହେଲା। ଅଳିନ୍ଦ, ତାପରେ ନୀଳୟ, ତାପରେ ଧମନୀ ଦେଇକି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆସିବ ଆମର ସେଇଥିରୁ ଆସିବ ଶିରା ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ, ପୁଣି ଥରେ ଶିରା ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିବ। ତ ଅଳିନ୍ଦ, ନୀଳୟ, ଧମନୀ, ଶିରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ? ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କାହାର? ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ମଣିଷ, ପକ୍ଷୀ। ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ମଣିଷ, ପକ୍ଷୀ, କାହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ? ସାର୍ ଭୁଲ କଲେ, କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ? ଭୁଲ କଲେ ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁଟା ଭୁଲ କଲେ? ଏବେ ତ ବୁଝେଇଲି ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହିଲି, ରକ୍ତ କେମିତି ଆସୁଛି। 2-3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ କେମିତି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଉଛି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି। ତ ହଁ, ଏଇଟା ଲଡ଼ୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବେଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍। କାହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ? ବେଙ୍ଗର। ବେଙ୍ଗ ବା ଜାତୀୟ ଯେତିକି ଏମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଯେତିକି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ
तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट आउ माछ जातिर जेतिकि सब उद्भिद अछन्ति सेमानकर हृत्पिंड दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट एवं सेइ भलिया अमर मनीष जो माने मनीष जातिर जो स्तन्यपायी प्राणी माने मामाल्स माने जो माने अछन्ति हला मामाल्स बा स्तन्यपायी प्राणी सेमानकर हृत्पिंड चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट सेटा अलिंद निलय फुसफुस धमनी फुसफुस शिरा हेबो कोटा फुसफुस धमनी फुसफुस शिरा हेबो कहला अलिंद निलय राइट अलिंद निलय राइट साइड देखेली ना मु अलिंद निलय धमनी अलिंद देके आसिला अलिंद निलय धमनी तापर धमनी देके शरीर सारा जाके आसके महा महाशिरा देके आसिबो ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा तापर आउ थरे अलिंद निलय फुसफुस धमनी फुसफुस शिरा बुझि होचे तापर आउ थरे सेम प्रोसेस रिपीट हम से जिनस तो मुझे कहली तो ये आम बुझे बेंग जातीय जी उभयचर प्राणी बा एम्फीबियंस अच्छा से हृत्पिंड तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट माछ जातीय प्राणी दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट आउ जो मनीष भाई जो मैंने मामाल्स अच्छा मानते स्तन्यपायी प्राणी अच्छा से हृत्पिंड चार प्रकोष्ठ विशिष्ट नेक्स्ट प्रश्न 23 किंतु आपण सर सॉरी सॉरी क्लियर नथिला जे मु देखिना भाबे ठीक अछि किछि असुविधा नै हला एरा देखो केउ जीवर रक्त संचालन प्रक्रिया को एकक संचालन कहा जाय राइट राइट ऑप्शन ए वेरी गुड माछ माछर जो रक्त संचालन अछि ताको एकक संचालन कहा जाय मनीषर रक्त संचालन मु ऑलरेडी आज ही डिस्कशन कर देली जे मनीषर जो रक्त संचालन ताको द्वैत संचालन कहा जाए कहीं द्वैत संचालन कहा जाए मनीषर ना जो हृत्पिंड अच्छी आउ आमर फुसफुस अच्छे रक्तटा प्रथम हृत्पिंड को आसुचे हृत्पिंड फुसफुस को जाऊँचे फुसफुस पुणी थे हृत्पिंड को आसुचे आउ पुणी थे शरीर को जाऊँचे तो गोटे चक्र कम्प्लीट करने हृत्पिंड दे कि दुई थर जा पड़े तेणु करके द्वैत संचालन द्वैत अर्थात दुई किंतु मनीष माछरे कौन हुए केवल गोटे थर माछरे केवल गोटे थर हृत्पिंड देकी जीव तापर आउ थरे हृत्पिंड को आसिबनी तेणु करके आकु कुआ गला एकक संचालन नेक्स्ट 24 स्पिग्मो मैनोमीटर जंत्र द्वारा कौन मपा जाए ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे इजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन पुणी थरे मिलला लड्डू पुणी थरे लड्डू मिलला स्पिग्मो मैनोमीटर यंत्र कौन मापे राइट डिस्कशन कले ना आज भी हमें रिविजन कले रक्तचाप स्पिग्मो मैनोमीटर यंत्र रक्तचाप मापी था नेक्स्ट क्वेश्चन 25 साधारणत तो एक सुस्थ व्यक्तिर डायस्टोलिक चाप केते मिलीमीटर पारद मान अटे रक्तचाप कथा आसला आम जानचे रक्तचाप सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक रहे तो डायस्टोलिक केते मिलीमीटर पारद मान केते MMHG जोटा कह जाए डायस्टोलिक चाप राइट कहते कि सी डी कौन एम कन्फ्यूजन हेलो ए सी डी कहीं ये आसला कन्फ्यूजन डायस्टोलिक कही ना डायस्टोलिक मान 80 सिस्टोलिक मान 120 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक मन रख 120 बाय 80 नॉर्मलटा जोटा कि सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक बोली कहचु सिस्टोलिक चाप 120 माने जोटा संकोचन जनित चाप ताको सिस्टोलिक चाप कहा जाए जोटा 120 डायस्टोलिक चाप माने जोटा प्रसारण जनित चाप से 80 राइट सो राइट आंसर हम ऑप्शन डी 80 नेक्स्ट प्रश्न 26 जीवा आ चार पांचटा क्वेश्चन अच्छे सारद प्रोथ्रम्बिन कहा उपस्थित रे थ्रम्बिन रे परिणत हुए रक्त जमाट पार्ट रो क्वेश्चन अच्छे प्रोथ्रम्बिन नामक गोटे प्रोटीन अच्छे रक्त रे जोटा थ्रम्बिन रे परिणत हुए कहार उपस्थित रे कैल्शियम प्लस प्लस मैग्नीशियम प्लस प्लस पोटेशियम ना सोडियम
यस इजी क्वेश्चन जे भी टिके भी गोटे थर पढ़ थोड़ा जानदेव सीए टू प्लस बा सीए प्लस प्लस कैल्सियम आयन उपस्थित रे थ्रम्बिन टा सॉरी प्रोथ्रम्बिन टा थ्रम्बिन रे परिणत हुए रक्त जमाट बांधिबा प्रक्रिया मन थी आमको आलोचना करते प्रथम थ्रम्बिन टा कैल्सियम जो आयन उपस्थित रे प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन टा थ्रम्बिन रे परिणत हुए यही थ्रम्बिन टा कौन कराए ना फिब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन रे परिणत कराए फिब्रिनोजेन को फाइब्रिन करेब किए थ्रम्बिन करेब बुझिपार्च प्रथम सी ए प्लस प्लस टा प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन करेब तापर ये फाइब्रिनोजेन अच्छी ताको फाइब्रिन करेब थ्रम्बिन राइट थ्रम्बिन से फाइब्रिन जो तैयारी है से फाइब्रिन टा गोटे जाल सृष्टि कर जो थे कि रक्तकणिका अणुचक्रिका मान सब फसिकी गोटे तरल पतला आस्तरण सृष्टि करेंगे जहाँफल रक्तस्रावटा बंद हो बुझिपार ये जो प्रक्रिया अच्छे प्राय पिला लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बोली कहते एबे जो आम रिविजन करे कि नहीं सर्ट क्वेश्चन रे कला बेलू एक्सप्लेनेशन दे लॉन्ग क्वेश्चन ही गोटे गोटे कहीदे जमी हृत्पिंड जो कार्य था ताको मुझे बुझे देली हृत्पिंड चित्र को बुझे देली ठीक अच्छे कि नहीं ठीक से भाया जो तीन टा जाक तत्व अच्छे संशक्ति तत्व मूलज चाप और कौशिक आकर्षण ताको भी मुझे एक मार्के आर आलोचना करू करू ही सारीदे तो तुमको पुणी पूरा पाठ रिविजन हो ना तेनालीर किसी टेनसन नि क्लास अटेड कर नेक्स्ट देख के लवणटी रक्त जमाट बांधा को दिए ना के लवणटी रक्त जमाट बांधा को दिए ना बुझीहलाने एटा रिविजन करुचे आम तेणु करिविजन आम पूरापूरी डिस्कसन करें जो पूरापूरी डिस्कसन करवा पुणी तो गोटे पाठ को दसटा क्लास लगे ना आम अलरेडी डिस्कसन करे अलरेडी एक्सप्लेनेशन अच्छी चैनल को जीव प्लेलिस्ट रे जीव लाइफ साइंस प्लेलिस्ट रे सब पाठर आलोचना अच्छे जो जो पाठ ये वर्ष अच्छे सब पाठर एक्सप्लेनेशन अच्छे विभिन्न पार्ट्रे जो मैंने बुझिपार ना ताको देखो निश्चित भाव में तुम बुझीपार बुझिपार एक्सप्लेनेशन देखला परे एटी खाली आम मन पकाचे राइट सो वेरी गुड ये कन्फ्यूजन है बहुत जन कन्फ्यूजन है बट राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम ऑक्सालेट एवे कह जो मैंने ऑप्शन ए आउ सी कहूल तक मैंने डाउट आसव सार हिपारिन आउ हिरुडिन तो रक्त जमाट बांधते हिपारिन रक्त थाए हिरुडिन आमर जोको रक्त थाए से भी तो रक्त जमाट बांधा को दिये ताल सोडियम ऑक्सालेट ही आंसर कहीं हम कहीं प्रश्न अच्छी लवण प्रश्न अच्छी लवण के लवण पचारे क्यों लवण पचारे तेणु करके सोडियम ऑक्सालेट हम करेक्ट आंसर सोडियम ऑक्सालेट हम करेक्ट आंसर हिपारिन आउ हिरुडिन जो अच्छे एम भी रक्त जमाट बांधा को दिये ना तेणु करा हिपारिन आउ हिरुडिन एम होती गोटे गोटे प्रोटीन बा गोटे गोटे पुष्टिसार जातीय पदार्थ तेणु करके आंसर हम सोडियम ऑक्सालेट राइट नेक्स्ट जी आग को 28 प्लाज्मा रे आंटीजेन को चिन्ही पार्थवा प्रोटीन को कौन कहा जाए आंटीजेन को जो प्रोटीन चिन्ही पारे ताकु कौन कहा जाए जोड़ा प्लाज्मा रे थाए श्वेत रक्त कणिकार लोहित रक्त कणिकार जो आवरण रे जो प्रोटीन ता थाए ताकु आमे कहूचो एंटीजेन ताकु जे चिन्ही पार्थवा प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन ताकु कौन कहिबा राइट एंटीबॉडी राइट वेरी गुड एंटीबॉडी जो ए एंटीजेन को जो जे चिन्ही पारिबो ए एंटीजेन को जे चिन्ही पारिबो ताकु कह जाए ए एंटी सॉरी बी एंटीबॉडी ए एंटीजेन को बी एंटीबॉडी थिबो आ बी एंटीजेन को ए एंटीबॉडी थिबो जो ए बी एंटीजेन दुटा जाक थिबो जदि एंटीबॉडी रहिबो नाही किछि आ जदि ओ एंटीजेन रहिबो माने एंटीजेन किछि रहिबो नाही ताहले ए बी दुटा जाक एंटीबॉडी रहिबो आर जो चित्र थिला देखि दबा हला ए चित्र को देखिबो ए चित्र रे ही आमे जान दबा एथिरे देखो जो ए एंटीजेन अछि ए एंटीजेन को स्मॉल बी एंटीबॉडी
बी एंटीजन को स्मॉल ए एंटीबॉडी ठीक से भाया जदि दीटा जाक एंटीजन अच्छी ए आउ बी तेबे एंटीबॉडी तार कौन सी नथिबो आ जदि एंटीबॉडी एंटीजन किछि रहिबो नै ताहले उभय एंटीबॉडी रहिबो बुझि पारछ ए को बी बी को ए ए बी को किछि नै जदि किछि नै को ए बी बुझि पारछ एई भले रहिबो सिक्वेंस तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे देखो 29 तापर आउथर टेबल को आउथर बुझिबा ए क्वेश्चन रे अछि देखो ओ रक्तवर्ग रो एंटीजन कोन अटे ओ ओ रक्तवर्ग रो एंटीजन टा कोन जदि ब्लड ग्रुप ओ हुए ताहले एंटीजन कोन एंटीजन नाही वेरी गुड ऑप्शन डी जो मन कहिलो बहुत बढ़िया एंटीजन नाही एंटीजन नथिबो ना ओ माने कोन किछि नहि सुनो ओ माने सुनो किछि नहि तनु करे एंटीजन नथिबो जदि एंटीजन नाही ताहि सेतरे ए बी दिडे जको एंटीबॉडी रहितिबो बुझि पारछ एंटीजन को धर के नाम ना, ना दिया जाए रक्तवर्ग ए एंटीजन थिले ए रक्तवर्ग बी एंटीजन थिले बी रक्तवर्ग ए बी एंटीजन थिले ए बी रक्तवर्ग आउ जदि किछि एंटीजन नथिबो तबे ओ रक्तवर्ग तार उल्टा रहे एंटीबॉडी जोटा आमे पढ़िले तापरे केउ वर्गर लोक काकू रक्तदान करि परिबो ये भी आमे जानचे ए बी को कौन कह जाए सर्वजन ग्रहिता ये समस्त ठारु ग्रहण करि परिबो किंतु देव केवल ए बी को ए बी ओ को कह जाए सर्वजन दाता से समस्त को रक्तदान करि परिबो किंतु केवल ओ ठु ही नब तो सर्वजन दाता सर्वजन ग्रहिता को आम मन रखा तापरे ए रक्तवर्ग वाला ए को दे पारे ए बी को भी दे पारे बी रक्त बी रक्तवर्ग वाला बी को भी दे पारे ए बी को भी दे पारे तो ए बी समस्त नब किंतु ए बी को ही दब किंतु सर्वजन दाता ओ ओ समस्त दे पार किंतु ए बी ठारु ही नब राइट सॉरी ओ ठारु ही नब ओ टा समस्त दब किंतु ओ ठारु ही नब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन इजी एबे आलोचना करदेले आमे ऑलरेडी सर्वजन ग्रहिता केउ वर्गर व्यक्ति को रक्तदान करि परिबे सर्वजन ग्रहिता जे समस्त ठारो ग्रहण करंती सर्वजन ग्रहिता काहा को देबे राइट येट वेरी गुड सर्वजन ग्रहिता किए एबी तो एबी समस्त ठारो ग्रहण करिवो किंतु दान करिवो केवल ए बी को तो ऑप्शन ए जो मैंने कहल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू करेक्ट अच्छे तो ये थिला आज परिवहन संचालन पाठर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एथिरे आम विभिन्न डायग्राम मध्यम पुणि थे पाठ को प्राय प्रायत रिवाइज कले पुणि थे आम देखिले आशा कर आज क्लास तुमको भल लगे जदि भल लगला जावा पूर्व समस्ते क्लास को लाइक करके चैनल को जदि अभी जाए सब्सक्राइब करिन सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट कर मु पुनी थरे तमानको मिसिबे कालीरो क्लास रे सेम टाइम 7 PM सेम टाइम 7 PM काली क्लास कालीरो क्लास पुनी थरे मिसिबा टिल देन गुड बाय गुड नाइट।